नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जो है लगातार चल रहा है। इनको एक महीने से ज्यादा हो चुका है। जिस तरीके से ये लोग चाह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रबोध हूँ, मैं रिटायर्ड ऑफिसर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके समर्थन देने आए इन बेटियों को? इन बेटियों को पूरा सपोर्ट है, पूरा प्यार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट लगा है, उसमें तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि जितने ऊपर बैठे हैं, ऊपर पोजीशन पे, वो गुंडे हैं, वो गुंडों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बीजेपी में भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, कूट कूट के भरे पड़े हैं। ये नारा कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, ऐसे लोग हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था, बेटियों ने कहा ना, हम मेडल लौटा देंगे। तो उन्होंने कहा, मेडल क्यों लौटा रहे हो, तो 15 रुपए में बिकेंगे, लौटाने हैं तो पैसे लौटा दो। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसी बातें एक बेशर्म आदमी ही कह सकता है। वो बेशर्म है इसलिए कहते हैं। उन्होंने कहा है कि छेड़छाड़ी का मुकदमा है ये, तो छेड़छाड़ी क्या इसको किस रूप में लेते हैं? बैड टच में लेते हैं या गुड टच में लेते हैं? देखिए, छुआछूत छुआछूत। हाँ हाँ, नहीं छूत हो रहा है तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इन लोगों के फरेब है, फरेबी लोग हैं ये। ये दिल के साफ नहीं है। आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने हाँ कह दिया, मैं दिल से साफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर जहाँ दिल से सफाई नहीं है, उससे गंदा आदमी संसार में हो ही नहीं सकता। अभी मोदी दिल का साफ नहीं है, लेकिन वोट तो मोदी जी को पड़ते हैं। हाँ, लोग तो अभी भी चाहते हैं उन्हें। लोग इसलिए चाहते नहीं है, लोग इसलिए वोट देते हैं क्योंकि अशिक्षित है। हमारे देश में जनता अशिक्षित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? जनता अशिक्षित है, उनको ये मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख ना बनाए। और बेटियों का जो ये समस्या है, ये मुश्किल से आधे घंटे में सॉल्व हो सकती है, कुछ नहीं, आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगी, पर ये लोग करना ही नहीं चाहते। ठीक है, एक तरफ संसद जो भवन है, नया संसद भवन, उसका उद्घाटन हो रहा है, और एक तरफ बेटियां धरने पर बैठी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक।